आपकी पसंदीदा आकृति क्या है? एक वर्ग, एक त्रिभुज, त्रिकोणीय, प्रिज्मीय अथवा अष्टफल की आकृति के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, शायद आप पिछले दो को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उपसहसंयोजक संकुलों के कार्य करने के लिए ये आकृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। संक्रमण धातु आयन उपसहसंयोजक संकुलों को बनाने में सक्षम होते हैं। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगंड की कुल संख्या उस आयन की उपसहसंयोजन संख्या निर्धारित करती है। उपसहसंयोजन संख्या संकुलों की ज्यामिति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। उपसहसंयोजन संख्या 4 और 6 संक्रमण धातु आयनों के संकुलों के लिए सामान्य उपसहसंयोजन संख्या है। आइए उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों की ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले धातु आयन संकुलों में दो प्रकार की ज्यामिति पाई जाती है, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय। चतुष्फलकीय संकुल। चतुष्फलकीय ज्यामिति उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुल में सामान्य है। टेट्रा कार्बोनिल निकल आयन चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुलों में से एक है। वर्ग समतलीय संकुल। इस प्रकार की ज्यामिति विशेष रूप से उन धातु आयनों में पाई जाती है जिनके डी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे निकल। टेट्रा साइनो निकलेट आयन इस प्रकार का संकुल है। हम देख सकते हैं, हालांकि इन दोनों संकुलों में उपसहसंयोजन संख्या 4 है, वे भिन्न ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। अब हम उपसहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुलों की ज्यामिति देखते हैं। इन संकुलों में दो भिन्न ज्यामिति संभव है। पहला अष्टफलकीय, सामान्य ज्यामिति अष्टफलकीय है। लगभग सभी हेक्सा एक्वा आयन जैसे हेक्सा एक्वा कॉपर यह ज्यामिति दर्शाते हैं। दूसरा त्रिकोणीय प्रिज्मीय, यह 3 द्विदंतुर लिगंड वाले यौगिकों में पाया जाता है जैसे ऑक्सिलेट। उपसहसंयोजन संख्या 6 होने के बावजूद सभी संकुल भिन्न ज्यामिति दर्शाते हैं। आइए सारांश देखें। हमने अध्ययन किया है केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगंड की कुल संख्या उस आयन की उपसहसंयोजन संख्या निर्धारित करती है। हमने उपसहसंयोजन संख्या 4 और 6 वाले संकुलों की ज्यामिति का भी अध्ययन किया है। दूसरों के साथ समन्वय मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए यह बहुत सरल है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन विभिन्न प्रकार के लिगंड के साथ उपसहसंयोजन करते हैं जो विभिन्न प्रकार के संकुलों का निर्माण करते हैं। इनके बारे में जानने के लिए आगामी वीडियोस देखें।